वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सृजना और आप देख रहे हैं सीना लाइफस्टाइल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कहीं जा रही हूँ बाहर, जो मैं आपको दिखाऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ। एक्चुअल में मुझे कहीं रायपुर जाना पड़ रहा है कुछ हेल्थ इशूज की वजह से। चाचा और मुझे दोनों को दिखाना है, तो हम लोग नाइट बस से जा रहे हैं और फिर हमको रिटर्न भी उसी दिन ही आना है, मतलब नेक्स्ट डे आना है। तो इसलिए हम जा रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और मैं आपको बताऊँ कि रायपुर में मैं कहाँ 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 जा रही हूँ। अब मेरे साथ में नहीं रहिए। थे बस स्टैंड है, आप देख सकते हैं इधर फ्रूट्स वगैरह वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिल रहा है। इधर भी है, सब पर दिखा दो। बस का टिकट हो चुकी है, बस का वेट कर रहे हैं। बस का नाम श्रीनाथ है, जो रायपुर मुझे कल 5:30 बजे पहुंचाएगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं रायपुर में कहां कहां जा रही हूं और किस लिए जा रही हूं। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए। बाय बाय। फाइनली रायपुर पंडरी बस स्टैंड पहुंच चुके हैं। मुझे लगा था कि रात भर मैं सो के आऊंगी, बट नहीं, मैं तो डर डर के आई हूँ कहीं बस ड्राइवर सो ना जाए, बस कुछ हो ना जाए। रायपुर पहुंच गए हैं, अभी अंधेरा है क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए हैं। मतलब मॉर्निंग 5 बजे से हम लोग पहुँच गए हैं और हमारा अपॉइंटमेंट डॉक्टर के पास जा रहे हैं हम, डॉक्टर भरत सिंह घानिया स्किन स्पेशलिस्ट के पास। तो हमारा अपॉइंटमेंट 11 बजे है, तो हम भटकेंगे रायपुर में। आप देखिएगा हम कैसे भटकेंगे। बस स्टैंड के पास ही हम रुके हुए थे, थोड़ा सा मॉर्निंग होने का वेट कर रहे थे। मतलब 6:30 बज जाता तो फिर हम जैस्तम चौक जाएंगे। हम जैस्तम चौक के लिए निकल गए हैं, रास्ते में जा ही रहे हैं, देख रहे हैं जैस्तम चौक का ही नज़ारा है। जैस्तम से हम जाने का एक ही रीज़न है कि वहाँ पे नाश्ता बहुत अच्छा मिलता है, खास करके पोहा, बहुत ही टेस्टी पोहा बनता है वहाँ पे। मैं जब रायपुर में रहती थी तो मैं वहाँ बहुत पोहा खाती थी, तो बस उसलिए ही चाचा को बोली चलिए हम चलते हैं वहाँ पे, नाश्ता बहुत अच्छा मिलेगा, आप जो भी खाओगे। तो फिर मेरे चाचा ने सांभर बड़ा बोला था, तो उनको मैं सांभर बड़ा खिलाई, बट मैं भी पोहा नहीं खाई। फिर मेरे को मन नहीं किया, तो फिर हम लोग, मैं डोसा खाई, चाचा सांभर बड़ा खाए, और फिर हम लोग नाश्ता किए वहाँ पे। आप देखिए मैं आप कुछ कुछ दिखा रही हूँ आपको, देख सकते हैं ये जैस्तम चौक का है। सुबह से आप अगर आप आओगे यहाँ पे तो आपको रवि भवन के सामने, अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको बहुत नाश्ता में सब कुछ मिल जाएगा आपको, जो भी आपको खाना हो। यहाँ पे ठेला लगा हुआ है, सारा ठेला पोहा मिलता है। नाश्ता करने के बाद हम लोग कालीबाड़ी चौक पहुँच गए। कालीबाड़ी चौक पहुँचने के बाद फिर वहाँ पर थोड़ा सा मैं नगर पालिका गई। वहाँ पर नगर पालिका जाने के वहाँ पे मुझे चार्ज करना था, तो मुझे वहाँ पे गणेश भगवान जी की स्टैचू लगी हुई थी, तो मैं सोची कि थोड़ा सा वीडियो बना लूँ। देखिए आप, वाह बहुत सुंदर लग रहे हैं। थोड़ा सा ही मोबाइल चार्ज हुआ था, फिर मैं ले गई। थोड़ा मोबाइल चार्ज होने के बाद फिर मैं सोची कि चलो मैं बाहर जाती हूँ, ये चाचा घूम रहे हैं यहाँ पर, बाहर जाती हूँ फिर थोड़ा सा दिखाती हूँ। मैं सोची व्यू यहाँ का बहुत अच्छा है, नगर निगम मेरे मुँह से निकल रहा है बार बार, बट वो नगर पालिका है, तो नगर आप देख लीजिए। मैं सोची कि थोड़ा सा यहाँ बाहर का भी शूट कर लेती हूँ, आई हूँ तो थोड़ा दिखा ही दूँ। बहुत सुंदर लग रहा था, वाइट कलर में है नगर पालिका निगम रायपुर। जो रायपुर में रहते हैं तो देखे ही होंगे, जो काम से भी जाते हैं वो भी देखे होंगे। अब मैं नगर पालिका जो है वहाँ का गार्डन है, यहाँ सुबह से सब कोई वर्कआउट कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, ओपन जिम टाइप का है, जिम के सारे। तो हम लोग भी सोचे कि यहाँ थोड़ा बैठ जाएं, फिर हम लोग भी यहाँ बैठे हुए थे। मैं थोड़ा सा शूटिंग कर ले रही थी, वीडियो शूटिंग कर ले रही थी, थोड़ा सा दिखा दूँ आप लोगों को बोल के। बाकी चाचा बैठे हुए थे, फिर मैं सोची कि थोड़ा सा मैं वीडियो बना लेती हूँ। बहुत अच्छा जगह है, आप कभी जाएँ तो आप देख सकते हैं। इससे पहले भी हम लोग सारे फ्रेंड लोग एक बार रायपुर गए हुए थे, रायपुर में फिर हम लोग ऐसे घूमने के लिए आए हुए थे, तो फिर हम लोग यहीं पे आए हुए थे।
नगर निगम के गार्डन में बैठे हुए हैं। डॉक्टर भरत सिंह हानिया के क्लिनिक में आए हुए हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं वो। मेरा आँख के नीचे मतलब दाना दाना टाइप का चालू हो रहा है यहाँ पे। स्टार्टिंग में मतलब एक दो टू हुआ था तो भी वो होता है बंद हो जाता है, होता है बंद हो जाता है। तो वो जेनेटिक प्रॉब्लम है, माँ का भी है तो उसलिए मेरा भी हो रहा है। माँ के में तो पूरे आँख के किनारे किनारे सारे सेट हो गए हैं, तो माँ मेरे पीछे पड़ी थी कि जा दिखा बाद में दिक्कत हो जाएगा, बाद में दिक्कत हो जाएगा। तो बस आई हूँ। चाचा को भी थोड़ा दिखाना था, स्किन का थोड़ा सा प्रॉब्लम था उनको भी, तो दिखाना तो बोल के हम लोग आए हुए हैं। 11 बजे अपॉइंटमेंट लिए हुए थे और हम लोग जल्दी आ गए क्योंकि आज ही उनको निकलना है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं। फिर हम लोग जाएंगे, बोर हो रहे हैं बस और कुछ नहीं। अभी चाचा तो इतना हड़बड़ाते रहते हैं, चलो 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 चलो, मुझे टाइमिंग पता है, मुझे एड्रेस भी पता है, हर चीज़ पता है, बट नहीं, चलो जल्दी चलो, वहाँ बैठेंगे, कहीं नहीं जाना है, वहीं बैठेंगे। डॉक्टर को दिखाना है। नगर निगम के गार्डन में बैठी हुई हूँ, देख रहे हैं आप, देख सकते हैं मैं टाइम पास ही कर रही हूँ बैठ के और कुछ नहीं। वैसे भी मेरे मोबाइल भी ऑफ हो जा रही है बार बार, तो उसका भी अलग से प्रॉब्लम है। ये नगर निगम है, बहुत सुंदर दिख रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। इतना सुंदर दिख रहा था, मैं अंदर गई थी वहीं पे चार्ज करने के लिए थी मोबाइल में, बैटरी थोड़ा डेड हो गया था तो वहीं पे जाके चार्ज की। फ्लैश के सर लोग को मैं बोला कि मैंने मेरे मोबाइल को चार्ज कर दीजिए थोड़ा सा, तो उन्होंने हाँ बोला। आप देख सक रहे हैं सब कोई बैठे हुए हैं, तो आप मेरी वीडियो में बनी रहिए। अगर मैं अब हॉस्पिटल जाती हूँ फिर मैं डॉक्टर को दिखाने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि मेरे को क्या क्या मेडिसिन क्यों मिला और किस लिए मिला। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस बार मैंने कमेंट ऑन किया है, इस बार मैं अपना कमेंट ऑन कर रहा हूँ, तो आप मुझे पॉजिटिव कमेंट और प्लस आप लोग क्या मैं अच्छा कर रही हूँ और क्या मैं बुरा कर रही हूँ ये भी आप मुझे बताएँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तभी मैं सीख पाऊँगी, इसलिए सपोर्ट कीजिए। बट अब कुछ बहुत कम दिन में बहुत अच्छा सब्सक्राइबर भी हुए हैं और व्यू भी बहुत अच्छा जा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। मिलते हैं फिर। डॉक्टर दिखाने के बाद फिर से हम अपने गांव निकल रहे थे, बस ये थोड़ा सा ही है। मोबाइल ऑफ होने की वजह से मैं कुछ भी नहीं दिखा पाई, कुछ भी शूट नहीं कर पाई, मैं आपको ये कुछ जाने का बस थोड़ा सा बता पाई अब। हेलो एवरीवन, मैं सृजना, आप देख रहे हैं सृजना लाइफस्टाइल। मैं ये जो मेरा वीडियो है ये मेरा रायपुर का वीडियो है और मैं पूरा शूट कर ही नहीं पाई थी क्योंकि मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था जिसकी वजह से, तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा आप लोग से बातें कर लूँ। बाकी ये है कि मेरा जो ये वीडियो है थोड़ा सा लेट से जा रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा फ्री नहीं थी तो उसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। तो रायपुर में हम लोग कालीबाड़ी में रुके हुए थे, सुबह से चले गए थे। कालीबाड़ी में जाने के बाद पता चला कि जो डॉक्टर का क्लिनिक शिफ्ट हो गया है राजा तालाब, फिर सडनली हम लोग वहाँ पर राजा तालाब गए। फिर 10 बजे हम लोग राजा तालाब गए, फिर वहाँ पर डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर ने बोला कि मेरा जो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है उसके लिए ग्राफ्टिंग करना पड़ेगा, माइनर एक प्रोसीजर करना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा क्योंकि आपको प्रोसीजर करना है बोल के अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, मतलब डॉक्टर को दिखाने का नहीं प्रोसीजर के लिए। तो फिर मैंने बोला ठीक है, 10 दिन बाद फिर से मुझे जाना है, फिर से मेरे को प्रोसीजर करवाना है। बाकी हमारे अपने हम चाचा को दिखाया और उसी दिन ही आ गया, तो हौच-पौच हो गया था, जाओ उसी दिन आओ, तो फिर थोड़ा दिक्कत हो गया, बाकी सब कुछ ठीक था। तो आप लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।